ये वीडियो होने वाला है उन दो धमाकेदार गाड़ियों के कंपैरिजन को लेकर जिनका आमना सामना फाइनली हो चुका है। मारुति की जिम्नी के आने के बाद ऑटो एक्सपो 2023 में फाइनली जिम्नी अब हमें देखने को फिजिकली मिल गई है। तो अब जिम्नी के आने के बाद सवाल तो बनता है कि क्या जिम्नी या थार कौन सी गाड़ी आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है। गाड़ी की सभी डिटेल्स हमारे पास है दोनों गाड़ियों की, और कौन सी गाड़ी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस आपके लिए एक बेटर पैकेज है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। ओवरऑल पहले बात करते हैं प्रेजेंस और डिजाइन जिम्नी का कैसा है, तो उसको मैं दिखाता हूं। तो फ्रंट में ये ग्रिल दिया गया है, यहाँ पे स्लैब्स हैं, क्रोम का एलिमेंट इस्तेमाल करा गया है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, इंडिकेटर यहीं पे इसमें इंडिकेटेड साइड में दिया गया है, एंड नीचे आए तो फॉग लैम्प्स हैं। एडिशनल जो इसमें देखने को मिलता है चीज़ वो है हेडलैम्प वॉशर, यहाँ पर जिम्नी में दिया गया है जो थार में देखने को नहीं मिलता है। एंड ओवरऑल प्रेजेंस के हिसाब से मैं कहूँ फ्रंट प्रेजेंस थोड़ा सा प्रोफाइल कंपेयर करेंगे थार से तो वहाँ पर लो है, बट ओवरऑल जो फील है देखने में स्पेशली इस कलर में काइनेटिक येलो जिसे मारुति कह रही है, फील ओवरऑल एक अच्छा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रेजेंस इस जिम्नी को देखने के बाद जरूर आ रहा है। साइड में आए तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल में क्लैडिंग थ्रू आउट है, व्हील आर्चेस दिए गए हैं, एंड जो इसमें टायर्स देखने को मिलते हैं वो हैं 15 इंच के और 195 सेक्शन के टायर्स इसमें दिए गए हैं। ये इस मारुति सुजुकी जिम्नी में अलॉय व्हील्स का ऑप्शन यहाँ है, और जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है वहाँ पर स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है। अब एक जो एडवांटेज यहाँ पर जिम्नी के पास है वो है 5 डोर वाली जो कि थार में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे सेकंड रो में भी आपको प्रॉपर सीटिंग यहाँ दो लोगों के हिसाब से देखने को मिलेगी, 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे, एंड मारुति भी कह रही है कि ये 4 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये जिम्नी देखने को मिल रही है। रियर की बात करूँ, रियर प्रोफाइल भी ओवरऑल देखने में इसका कॉम्पैक्ट लग रहा है कंपेयर टू थार। प्रेजेंस मैं कहूँगा मे बी कुछ लोगों को पसंद ना है इस जिम्नी का, थोड़ा प्रोफाइल लो है, बट ओवरऑल देखने में फील इसको अच्छा आ रहा है, एंड जिम्नी की बैजिंग है, एंड यहाँ पर ऑल ग्रिप की ब्रांडिंग दी गई है 4x4 के ऑप्शन के साथ ही अभी फिलहाल ये जिम्नी एज एन ऑप्शन मिलने वाली है। एंड पीछे भी लगेज स्पेस की यहाँ पे तकरीबन 332 लीटर का बूट स्पेस इस जिम्नी में दिया गया, एंड लोडिंग लिप भी फ्लैट है, तो उठाने रखने में सामान कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी इधर पीछे दिया गया है। ये कुछ डिटेल्स हैं इस जिम्नी की एक्सटीरियर डिज़ाइन को लेकर। अब बात करते हैं थार का एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा है। तो इस महिंद्रा थार के एक्सटीरियर लुक की बात करते हैं, जिम्नी की बात हो गई तो फ्रंट से ही जो पसौना है, जो प्रेजेंस है इस महिंद्रा थार का, वो जिम्नी कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटिमिडेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो फ्रंट ग्रिल की बात हो और जो ओवरऑल स्टांस है बोनट का भी वो जिम्नी से ऊँचा आपको देखने को मिलने वाला है इस थार में। एंड हेडलाइट्स की बात करूँ तो हैलोजन हेडलैम्प का इस्तेमाल करा गया है, और मैं बता दूं आपको ये जो इसका वेरिएंट है ये 2-व्हील ड्राइव जो नया वेरिएंट अभी महिंद्रा ने थार का लॉन्च किया ये वाला वेरिएंट यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर ये हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं, DRL दिए गए हैं, इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, एंड बम्पर भी जो है वो आपको देखने में जिम्नी के मुकाबले बड़ा यहाँ मिलने वाला है। टायर्स की बात करूँ तो इसमें जो टायर्स दिए गए हैं 18 इंच के हैं, सिंगल टोन में अलॉय व्हील्स हैं, एंड टायर्स का साइज़ भी इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से मैच करता हुआ और वही इंटिमिडेशन वाला फील भी इसके टायर का साइज़ भी आपको इस थार में देने वाला है, जबकि जिम्नी के टायर का साइज़ है वो 15 इंच का है, एंड उसके साइज़ के हिसाब से प्रोपोर्शन के हिसाब से मुझे लगता है वो साइज़ भी उसको सूट करता हुआ दिख रहा है। देन थ्रू आउट यहाँ पे व्हील, यहाँ पे क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पीछे आए टेल लाइट का सेक्शन, एंड ओवरऑल वही प्रेजेंस पर्सोना महिंद्रा थार वाला आपको कंपेयर टू जिम्नी यहाँ पर वो स्टांस भी उससे बड़ा या कहूँ कि उससे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग देखने को इसका रियर स्टांस भी मिलने वाला है। सेंसर्स 2 दिए हुए हैं इस वेरिएंट में, कैमरा इसमें कोई नहीं है यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है। एंड स्पेस की बात करें तो 332 लीटर का बूट स्पेस जिम्नी में था, एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुझे लगता है 150 लीटर के आसपास का ही बूट स्पेस यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा सामान हालांकि आप उसमें भी नहीं रख सकते, बट कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है जिम्नी में
फोर सीटर होने के साथ साथ या फाइव डोर वर्जन होने के साथ साथ। अब दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर डिजाइन की बात होगी, अब इंटीरियर की बात करते हैं। तो यहां पर जिम्नी में जो मामला है, स्क्रीन दिया गया है, ये 9 इंच का स्क्रीन है और स्टार्टिंग वेरिएंट में 7 इंच का होने वाला है। ये टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में 9 इंच का ये इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलने वाला है। इसमें जो है कनेक्टेड फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। नीचे यहाँ डायल्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है एंड यहाँ पर ये यूएसबी चार्जिंग स्लॉट और 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ सामान रखने की जगह यहाँ देखने को मिल रही है। एंड ये जो है 2 हाई 4 हाई 4 लो वाला ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के बटन से, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के, एंड जो इसका स्पीडोमीटर है लेफ्ट साइड में दिया गया है। टैकोमीटर एनालॉग में है, स्पीडोमीटर भी एनालॉग में है एंड राइट साइड में स्पीडोमीटर है। सेंटर में छोटा स्क्रीन है जहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर की आपको डिजिट्स, इन्फॉर्मेशन, नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स फैब्रिक है, लेदर वाला मामला नहीं है, दो कप होल्डर्स की जगह है। यहाँ पर पावर विंडोज के बटन्स दिए गए हैं। सो ये कुछ मामला है यहाँ पर इसकी फ्रंट रो का। और यस, ये ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे इसमें दिया गया है, ग्लव बॉक्स है, थोड़ा सामान रखने की जगह है एंड डोर में भी थोड़ा क्रोम वाला टच दिया गया है इसके, ये डोर ओपनिंग जो लैच है यहाँ पे भी। पीछे चलते हैं, सेकेंड रो स्पेस कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पर जो एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिम्नी में है और थार में आपको नहीं मिलेगी, वो है फाइव डोर वाली एडवांटेज। हालांकि सीट्स रियर सीट थार में भी हैं लेकिन एक्सेस करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, बट यहाँ पर फाइव डोर वाला मामला है तो एक्सेस काफ़ी इजी है एंड स्पेस भी मैं कहूँ डिसेंट है। बहुत एम्पल स्पेस नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो थार से कम है। व्हील बेस हालांकि थार से ज़्यादा है बट चौड़ाई थार से कम है, बट स्पेस यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दो लोग मुझे लगता है यहाँ पर आसानी से आराम से बैठ सकते हैं, चाहे आप थोड़ी लंबी दूरी पर भी इसको ले जा रहे हैं। एंड हेडरूम भी मेरे हिसाब से ठीक है, 6 फुट के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर मामला टाइट हो सकता है, बट ओवरऑल हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से, 5 नौ के हिसाब से ठीक है। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे पीछे यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सीट सेकंड रो का एंड पावर विंडोज के बटन्स इधर यहाँ पे डोर में ही पीछे इधर दिए गए हैं। तो ये कुछ मामला है इसके इंटीरियर का, इस मारुति सुजुकी जिम्नी की। अब चलते हैं थार का इंटीरियर और स्पेस कैसा है उसको भी देखते हैं। सो थार के इंटीरियर की बात करें, अंदर मामला यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द टू व्हील ड्राइव वेरिएंट जो हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड यहाँ पर इसमें जो देखने को मिल रहा है, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। 7 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया जहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कापले आपको वायर कनेक्टिविटी के साथ मिलता है एंड नीचे एसी वेंट्स हैं। पियानो ब्लैक का थोड़ा बहुत टच दिया गया है एंड मटेरियल क्वालिटी वही रगेड सॉलिड प्लास्टिक वाला फील यहाँ पर भी, जो जिम्नी में हमने देखा था तो वैसा ही कुछ फील भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल क्वालिटी डैशबोर्ड में यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर नीचे सामान रखने की जगह है, थोड़ा बहुत सामान रखने की यहाँ जगह है। हालांकि ये जो खाली कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, जो फोर व्हील ड्राइव वाला वर्जन है थार का, यहाँ पर उसका गियर नॉब यहाँ पे आता है, जो फोर व्हील ड्राइव का इसमें 4 हाई 2 हाई 4 लो के ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। पावर विंडोज़ के बटन बीच में दिए गए हैं सेम जिम्नी की तरह, दो कप होल्डर्स हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह है कंपेयर टू जिम्नी, जो हमने अभी फिलहाल जो ऑटोक्स में वेरिएंट देखा है उसके मुकाबले थोड़ा स्पेस मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। देन एसी कंट्रोल्स हैं, एयरबैग्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, सीट बेल्ट साइन यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का, हिल डिसेंट एंड विंडोज लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये भी इसका पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग है, सेंटर में स्क्रीन है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर एनालॉग, राइट साइड में स्पीडोमीटर एनालॉग दिया गया है। फुल डिजिटल वाला मामला दोनों ही गाड़ियों में देखने को नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी है, ग्लव कंपार्टमेंट थोड़ा छोटा जिम्नी के मुकाबले यहाँ पर इसका देखने को मिलता है, बट कुछ ये स्पेस यहाँ पर दिया गया है एंड ओवरऑल फील जो है सीट्स का लेदर प्लस फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ इसका फील देखने को मिल रहा है। एंड गाड़ी में बैठने के बाद भी जिम्नी से कंपेयर करें तो आपको वो स्टांस जो बाहर से गाड़ी का फील होता है ज़्यादा इंटिमिडेटिंग, वो आपको अंदर बैठ के भी, आप ज़्यादा ऊपर बैठे हैं वो भी आपको अंदर बैठ के फील होने वाला है, ऑब्वियस बात है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल राइट साइड में दिए गए हैं, ऑटो ऑन ऑफ का स्विच है। तो ये मामला कुछ इसके इंटीरियर या इसकी फ्रंट रो को लेकर है। एक बार सेकेंड रो का एक्सेस कैसे है, वहाँ स्पेस कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मशक्कत यस ऑफकोर्स, 3 डोर गाड़ी है तो मशक्कत भी अंदर घुसने के लिए
थोड़ी ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी कंपेयर टू जिमनी। अब स्पेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर स्पेस है, मैंने ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, लेग रूम मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, हेड रूम ठीक ठाक है, थाई सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थाई सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने की जगह नहीं है, एंड स्प्रेड करने के लिए भी आपको एंगल थोड़ा बदलना पड़ता है, तो वहाँ पर मामला थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा अगर आप ज़्यादा देर पीछे बैठे रहे तो। एंड यहाँ पर भी इसके व्हील आर्च आ रहे हैं तो आप ज़्यादा लेग्स को स्प्रेड भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसकी जो पिछली कतार है यहाँ पर इस महिंद्रा थार की, जो कि जिमनी में 5 डोर वाले वर्जन में आपको ये रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेंगी। उसमें भी मैं स्पेस कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक ठाक स्पेस वहाँ पर देखने को जरूर मिलता है कंपेयर टू महिंद्रा थार सेकेंड रो सीट। अब अंत में दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद, एक्सटीरियर इंटीरियर इनके इंजन ऑप्शंस, ट्रांसमिशन ऑप्शन डायमेंशंस की बात करने के बाद आपको किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। सो महिंद्रा थार की तरफ किस तरह के लोग, या मैं कहूँ इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं जो आपके लिए, मुझे लगता है आप गाड़ी लेने से पहले आपके लिए काम आएंगे, आपको जानने जरूरी हैं। पहला, अगर आप थार वाला वो प्रेजेंस चाहते हैं तो वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर आपको फंसाना सिर्फ महिंद्रा की इस थार में ही मिलने वाला है। देन दूसरा, अगर पेपर्स पर जो नंबर है उनकी बात करें तो पावर के हिसाब से इंजन कैपेसिटी जो है या टॉर्क या पावर की बात है तो वहाँ पर महिंद्रा थार में आपको ज़्यादा बेहतर पावर डिलीवरी देखने को मिलने वाली है। हालांकि इसका वेट जिमनी से थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, बट जिमनी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं और आपकी ज़रूरत, या कहूँ कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसमें आपको 5 डोर वाला ऑप्शन मिल रहा है, पीछे प्रॉपर सीटिंग और एक्सेस आपको जिमनी में देखने को मिलने वाली है, और आप इतना ज़्यादा इंटीमेटिंग व्हीकल नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर जिमनी भी आपकी उस ऑफरोडिंग वाली एसयूवी का सपना पूरा कर सकती है, मुझे ये जिमनी से उम्मीद है। और उसके अलावा जिमनी में मुझे लगता है थोड़ा और प्राइस इसके जो 4x4 वर्जन है उससे थोड़ा कम रहने वाला है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट जो जिमनी के फेवर में काम करता हुआ फिलहाल अभी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन टू व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन सिर्फ आपको महिंद्रा थार दे रही है। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद जो हमने आपके सामने रखी हैं, जो इन दोनों गाड़ियों को थोड़ा एक दूसरे से अलग बनाती हैं, और कौन सी गाड़ी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा फिट बैठती है, मुझे लगता है वो काफ़ी कन्फ्यूजन हम आपका इस वीडियो में ज़रूर दूर कर पाए होंगे।